नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रेलवे की एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा काटा था। रेलवे ट्रैक पर जाम लगाने और उपद्रव करने के मामले में पुलिस ने दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में प्रदीप यादव और मुकेश यादव शामिल हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाले राजेश सचान की तलाश अब भी जारी है। जबकि पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज के आरोप में अनावश्यक बल प्रयोग करने के लिए 6 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बुधवार को पुलिस लाइन में संवाददाताओं को बताया कि इस मामले में एक वीडियो भी वायरल किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अनावश्यक बल प्रयोग करते हुए दिखाई दिए। एसएसपी ने बताया कि 25 जनवरी को छात्रों ने वेश में आकर करीब 1000 असामाजिक तत्व प्रयाग स्टेशन के पास जमा हो गए थे और कथित तौर पर रेलवे ट्रैक में आग लगा दी थी। मामले में 3 मुख्य आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं तीसरे की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मीडिया सेल प्रभारी राकेश भारती, एसआई शैलेंद्र यादव, एसआई कपिल कुमार चहल, आरक्षी मोहम्मद आरिफ, आरक्षी अच्छेलाल और आरक्षी ध्रुवेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को हुई इस घटना के संबंध में पुलिस ने 1000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ 13 गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज पुलिस किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं करेगी।